मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, मैं रामदेव, आप सभी का स्वागत है नॉलेज गुरुजी पर। नॉलेज गुरुजी पर जैसा कि आप सभी को पता है एडवर्टाइज नंबर 15/2019 की जो अभी आंसर की आ गई है, तो उस पर अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही क्या बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल से कोई भी नई और ताज़ा अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये आप देखते हैं, स्वास्थ्य विभाग में पशुपालन व डेयरी विभाग में विज्ञापन 15/2019 श्रेणी आप देखते हैं 1, 8, 7, 6, 16, 9, 11 के अंतर्गत डेंटल हाइजीनिस्ट और ओपेथिक असिस्टेंट, टीबी हेल्थ विजिटर, रेडियोग्राफर, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, VLDA के पदों की जो आंसर की आ गई है उस पर क्या है आप आपत्ति लगा सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ आपको करना इसमें क्या है। आयोग ने उपरोक्त लिखित परीक्षा की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की वेबसाइट पर आंसर की अपलोड कर दी गई है। यदि कोई भी उम्मीदवार उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति पूछताछ आपत्ति का प्रस्तुतिकरण कर सकता है और उम्मीदवार नीचे के चरणों का अनुपालन कर सकता है। यानी मैं आपको बता दूँ जो पीछे आपके एग्ज़ाम हुए थे उनकी आंसर की क्या है, 2 दिन के बाद ही उनकी आंसर की आपकी डाल दी गई थी। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या है, HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाने के बाद में ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको जो लिंक मिलेगा ये वाला इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फॉर द आंसर की एडवर्टाइज नंबर 15/2019। तो आपको क्या है इस पर क्लिक करना है और अन्य किसी भी माध्यम से उम्मीदवार द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी और किसी भी तरीके से अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो वो मान्य नहीं है। आपको क्या है इसी जो आपको लिंक मिलेगा इसी लिंक से आपको आपत्ति लगानी है। और आपत्ति कब तक लगा सकते हैं, उम्मीदवार 22/7 यानी आज की डेट है और 24/7 यानी 2 दिन है आपको पास, 3 दिन 22, 23, 24 ठीक है, 3 दिनों के अंदर आप अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं और इसके बाद किसी भी आपत्ति पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ठीक है। तो आपत्ति कैसे लगानी है, पद का नाम आपको और विज्ञापन संख्या, परीक्षा की तिथि, सेट का कोड, शिफ्ट का सत्र, प्रश्न पत्र संख्या जिस पर आपत्ति उठाई जा रही है को स्पष्ट और अलग लिखने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपकी जो भी डिटेल है, आपके जिस भी कैटेगरी में पेपर था और कौन सी शिफ्ट का पेपर है, पेपर कोड, यानी सारी डिटेल आपको भरनी है अभी किस पोस्ट का पेपर था ठीक है। तो ये आप देखते हैं इन अखबारों में आपका छाप दुबा दे दिया गया है। तो इसमें अभी क्या है, अगर मैं आपको ऑफिशियल साइट पर लेकर चलूँ तो अभी तक ये लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी आज की डेट में आपको ये लिंक देखने को मिलेगा ठीक है। तो इस पर अगर आप आपत्ति लगाना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन की तो वो आप स्पष्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो ये अपडेट थी आप सभी के साथ, नई अपडेट है बिल्कुल। जो भी बच्चे इसमें आपत्ति लगाना चाहते हैं वो आपत्ति अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।